Hey guys, my name is Balram and I am certified level 1 investment advisor. स्वागत है आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे आज के ट्रेड सेटअप को। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं US मार्केट, तो हमें लास्ट फ्राइडे यहाँ पे एक रिकॉर्ड रैली देखने को मिला, जिसके बाद हम क्रूड ऑयल को रिकॉर्ड $63 के ऊपर और गोल्ड को अराउंड $1825 पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं, जिसके वजह से आज यहाँ पे एशियन मार्केट अपने रिकॉर्ड लेवल्स पे हमें ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर बेस्ड SGX निफ्टी को करंटली 15,228 पे और निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स को अराउंड 15,242 पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देखा जा सकता है। जिसके बाद अगर हम देखते हैं ADR लेवल्स को, तो ज्यादातर केसेस में आपको इसमें एक रिकॉर्ड अपसाइड दिखाई देगा। सिर्फ वेदांता और डॉक्टर रेड्डी को छोड़कर आप बाकी सभी केसेस में एक अपसाइड को यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। कैश मार्केट में अभी यहाँ पे बोथ FIIs और DIIs हमें प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इवन आप डेरिवेटिव्स में भी यहाँ पे FIIs के साइड से एक नेट फंड आउटफ्लो को क्लियरली यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद अगर हम देखते हैं ओवरऑल मार्केट आउटलुक को, तो यहाँ पे फरवरी का जो फ्यूचर्स है उसे 15,161 पे यहाँ पे देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे इसमें अभी भी आप अराउंड 1% का एक अपसाइड यहाँ पे देख सकते हैं। जिसके बाद अगर हम देखते हैं इसके पुट एंड कॉल रेशियो को, तो ये लगातार यहाँ पे नीचे हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है, और करेंटली इसे 1.36 के लेवल पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके वजह से आज मार्केट में एक रिकॉर्ड अपसाइड आज यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ ट्रेंडिंग Q3 रिजल्ट के ऊपर, तो यहाँ पे सबसे पहला जो रिजल्ट है वो है InfoEdge यानी Naukri.com का, जिसमें रेवेन्यू हमें 17% यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले कम होते हुए दिखाई देते हैं। इवन आप नेट प्रॉफिट को इस बार 679 करोड़ पे देख सकते हैं, जो कि पिछले साल यहाँ पे 621 करोड़ का एक लॉस हमें देखने को मिला था। इसका मेन रीजन है एक एक्सेप्शनल गेन, जो कि यहाँ पे कंपनी ने अपने एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में अपना जो स्टेक था उसे बेचने के वजह से यहाँ पे हमें देखने को मिला है। यहाँ पे मार्जिन हमें थोड़े से कम होते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद यहाँ पे इबिटा में भी अराउंड 32% का एक डिक्लाइन को पिछले साल के मुकाबले देखा जा सकता है। तो अभी के लिए इस स्टॉक में आपको अपने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कभी भी आपको यहाँ पे FIIs और DIIs के साइड से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं दीपक नाइट्राइट को, तो यहाँ पे रेवेन्यू में अराउंड 10% का एक अपसाइड, नेट प्रॉफिट में 38% का और एबिटा में अराउंड 30% का एक रिकॉर्ड अपसाइड को यहाँ पे ईयर ऑन ईयर देखा जा सकता है। एबिटा मार्जिन यहाँ पे हमें 4% इंप्रूव होते हुए दिखाई देते हैं, जबकि केमिकल रेवेन्यू को हम अराउंड 22% नीचे फॉल होता हुआ देख सकते हैं। दूसरे सेगमेंट में फिल्म एंड स्पेशलिटी केमिकल रेवेन्यू 22% बढ़ा है, जबकि फेनोलिक्स का जो रेवेन्यू है वो हमें 40% यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी के लिए इस स्टॉक में भी एक पोजिशनल ट्रेड लेने का मौका है, लेकिन अभी अगर आप इसमें कोई भी ट्रेड लेते हैं तो आपको स्ट्रिक्ट एक स्टॉप लॉस 5% नीचे यहाँ पे प्लेस जरूर करना है। वोडाफोन आइडिया के केस में आप रेवेन्यू को 1% बढ़ता हुआ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नेट लॉस है वो हमें इस बार भी 4,532 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिलता है। एबिटा 4% बढ़ा है, जबकि EBITDA मार्जिन को यहाँ पे अराउंड 1% के इंक्रीमेंट के साथ क्लोज होता हुआ देखा जा सकता है। यहाँ पे जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है उसे भी आप यहाँ पे 121 रुपी पे देख सकते हैं। तो अभी के लिए इस स्टॉक में कोई भी ट्रेड लेना हम यहाँ पे अवॉइड करना चाहेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के केस में यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम अराउंड 39% घटा है, जबकि नेट प्रॉफिट को अराउंड 40% यहाँ पे गिरता हुआ देखा जा सकता है। ग्रॉस एनपीए यहाँ पे 1.75% पे है, जबकि नेट एनपीएस को हम यहाँ पे 0.77% पे यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोफॉर्मा ग्रॉस एनपीए अराउंड 2.44% पे है, जबकि प्रोविजंस हम इस बार अपने इसके टोटल लोन बुक का अराउंड 3.4% के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। कलेक्शन एफिशिएंसी यहाँ पे अराउंड 98% पे है। तो अभी के लिए इस स्टॉक में भी कोई भी स्पेक्यूलेटिव ट्रेड लेना हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे, और यहाँ पे
एक गिरावट आने के चांसेस हमें काफी ज्यादा दिखाई देते हैं। तो अगर आपको ऐसे ही रियल टाइम अपडेट्स पाना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। और एक बात, जिन लोगों को वीडियो पसंद आया है वो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात, जिन लोगों को यहाँ पे अपने लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो क्रिएट करना है या फिर वो हमारे पोटेंशियल मल्टीबैगर्स और स्विंग ट्रेड्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल का मेंबरशिप प्लान आप नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिखे t.me/balram maharana, वहां से आप चैनल का जो मंथली और एनुअल प्लान है उसे आप जाके एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के ऊपर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है पीएनसी इंफ्रा, जिसमें यहाँ पे पीएनसी गोमती हाईवेज को, जो कि इसकी वन ऑफ द सब्सिडियरी है, उसे यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अराउंड 1530 करोड़ का एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उसका ऑर्डर यहाँ पे दिया जा चुका है, जिसकी वजह से आज इस स्टॉक में थोड़ी सी रिकॉर्ड अपसाइड आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। ONGC के केस में इसने अपने वन ऑफ द सब्सिडियरी को यहाँ पे फॉर्म करने का एक अनाउंसमेंट जारी किया है, जिसकी वजह से इसने इंडियन गैस एक्सचेंज में अपना एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे एक डिसीजन लिया है। InfoEdge के केस में इसने भी अपने वन ऑफ द सब्सिडियरी जिसका नाम है 4B नेटवर्क्स, उसमें अराउंड 9 करोड़ का अपना एक इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, जिसके मदद से ये आगे जाके इस कंपनी में अपना जो स्टेक है उसे 12.3% तक बढ़ाने का प्लान यहाँ पे देखा जा सकता है। हमारा राजा बैटरी के केस में यहाँ पे कंपनी आंध्र के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में अराउंड 50 मेगावाट का अपना एक सोलर प्लांट यहाँ पे एस्टेब्लिश करने जा रही है, जिसके वजह से इसकी जो पावर कॉस्ट है वो आपको काफी जल्दी यहाँ पे नीचे कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इवन ये कंपनी अपने कार्बन फुटप्रिंट को घटाते हुए यहाँ पे क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज की ओर अपना पैर आगे बढ़ा सकती है, जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो अगले 18 मंथ्स में हमें 280 करोड़ में यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई उनको मिल सकता है। तो इस स्टॉक में भी अगले कुछ दिनों तक यहाँ पे एक अपसाइड आने के चांसेस हमें दिखाई देते हैं। CDSL के केस में यहाँ पे ये पहला एक डिपॉजिटरी बन चुका है जिसने यहाँ पे 3 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट्स यहाँ पे ओपन किया है। तो आज इस स्टॉक में भी आप सबकी नजर बनी रहनी चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ी सी बाइंग हमें देखने को मिल सकता है। गोदरेज इंडस्ट्री के केस में ये फिनेंशियल सर्विस बिजनेस में अपना पैर जमाने वाली है, जिसकी वजह से ये हाउसिंग फिनेंस बिजनेस में यहाँ पे अपना लक आजमाने जा रही है। स्टेलिंग एंड विल्सन सोलर यहाँ पे इजिप्ट में अराउंड 930 करोड़ यानी 127.5 मिलियन डॉलर का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट पे अपना साइन कर चुकी है, जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो आपको 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ देखने को मिल सकता है। फाइनली अगर हम देखते हैं डेल्टा कॉर्प के Q3 रिजल्ट, तो यहाँ पे रेवेन्यू अराउंड 41% कम हुआ है, जबकि नेट प्रॉफिट को अराउंड 98% हम यहाँ पे गिरता हुआ देख सकते हैं। EBITDA भी अराउंड 85% कम हुआ है, जबकि EBITDA मार्जिन्स को यहाँ पे अराउंड 29% यहाँ पे हम कम होते हुआ देख सकते हैं, जिसकी वजह से इस स्टॉक में एक रिकॉर्ड डाउनसाइड अगले कुछ दिनों में दिखाई दे सकता है। तो आप भी इस स्टॉक से अपना एग्जिट यहाँ पे जरूर प्लान करें। तभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।